अनबॉक्सिंग करने की। ये अभी थोड़ी देर पहले आया मेरे पास और इसकी आज अनबॉक्सिंग करते हैं। आओ, ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए स्टैंड की जरूरत पड़ती थी मुझे बार बार, तो अमेजोन से मंगवाया था और इसकी कॉस्ट है करीब 200 समथिंग, 240 के आसपास, 240 रुपये। आओ इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, किस क्वालिटी का है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ट्राइपॉड 3110 बढ़िया हल्का फुल्का है, ज़्यादा वेट नहीं है। एक तो इसका ये मोबाइल का मोबाइल होल्डर है, मोबाइल इस पर फिक्स करके इससे उस पर अटैच करना हो स्टैंड। क्वालिटी वाइज तो बढ़िया है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे एलुमिनियम का, लेकिन ये प्लास्टिक है टोटल, क्योंकि 200-250 रुपये में एलुमिनियम नहीं आता। इसका स्टैंड वगैरह है ये टाइट कर लो, लेवलिंग का भी है आपका, ये दिखाई दे रहा है आपको एक ब्लू ब्लू सेटिंग रहती है, लेवल किस तरह का। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी खासियत यह है कि इस पर DSLR अपना कैमरा भी लगा सकते हैं। चलिए खैर मैं तो इस पर मोबाइल अपना लगा के दिखाऊंगा। ये हो गया, अरे इसके नीचे की रबर नहीं है शायद, इसमें नहीं आई क्या, चली ऐसे ही है। और यहाँ से उसको इसकी हाइट को बढ़ाया जा सकता है, ये लॉक है इसके जंप सा आपको लास्ट ही है, फर्स्ट क्लास बढ़िया, जितना पैसा है जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग। ये करीब 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच करीब करीब 3 फीट के आसपास हाइट में है, सही है, बेस्ट है, हल्का है थोड़ा और प्लास्टिक है तो नेचुरल है, हल्का तो होगा। और एक बार मैं इसे आपको नीचे लगा के दिखाता हूँ, इसकी जो हाइट है वो 40 इंच मेंशन थी अमेजन पे और ये लगभग लगभग 3 फिट अच्छी हाइट है, सही है अपने नॉर्मल बनाने के लिए। और फिर जो नए नए यूट्यूबर बने हैं नेचुरल मेरे जैसे, उनके लिए तो बेस्ट है क्योंकि स्टार्टिंग में सही रहता है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है ना चीप है, और ये कह लीजिए जिस हिसाब से आपने पैसा दिया उस हिसाब से बेस्ट है। 265 रुपये के आसपास यानी कि शिपिंग चार्जेज लग के इतने का बैठा है, तो उस कंडीशन में उसके हिसाब से, बल्कि मेरे पास तो 35 रुपये थे अमेजोन के अकाउंट में, तो मेरे को ये पड़ा है 206 रुपये का लगभग। बेस्ट है, अच्छी चीज़ है, मजबूत भी है जिस हिसाब से पैसे हैं। अच्छा इसके ऊपर मैं बता दूँ, इस पर आप DSLR भी लगा सकते हैं अपना कैमरा, और ये हैंडल होता है इसका सपोर्ट के लिए ऊपर नीचे करने के लिए, और इसका ये आपको ये से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये जो है ये पेज को आपको ढीला करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी उठा हुआ है। अब इस पर आपको अगर अपना मोबाइल फिट करना है तो उसके लिए जो इसके साथ अलग से आता है स्टैंड, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको आपको इस पर सेट करना है इस तरह से,
इट इस, ये वो और ये जो चीज़ है हैंडल, इसको ढीला आप करेंगे तो इसे मूव करने के लिए ऊपर नीचे मूव आप करते ना, जैसे सेट करने के लिए, जैसे जो सामने आपको जिसकी भी वीडियो बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप इससे सेट कर सकते हैं। ओके, और ये आपका वो है, इस पर आप अपना मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाते हैं। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे से ले जाता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब ये आपने, ये जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इधर आप कैमरा को, ये जो पॉइंट है इससे आप एडजस्ट करते हैं इसके एंगल को, कैमरे को, मोबाइल के ये नीचे है या इस जहाँ आपको सूटेबल लगता है, जहाँ से आपको रिकॉर्डिंग करनी है वहाँ पर ओके करके दबा बटन का टाइट कर देना। दें उसका ये थोड़ा गलत लग गया है कि इसको इस तरह से होना चाहिए था कायदे में ये। अब आप इसको इस तरह से घुमा के अब आपके ये सामने आ गया। अब इसे कर सकते हैं आप ऊपर नीचे, जहाँ सेट बैठता है वहाँ पर आप इसे करके, यानी कि इससे आप अकेले भी वीडियो बना सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी एक्चुअली, जो है मैं हेल्प ले रहा था अपने बेटे की, क्योंकि कैमरा बेचारा वही पकड़ता है, इसलिए इसको मैंने मंगवाया था वीडियो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अकेले बनाता हूँ, बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह, तो उस कंडीशन में अब ये फिट बैठ गया। तो देखिए, मुझे खैर मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया है, इतने पैसे हैं और स्टार्टिंग में बेस्ट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताएं, और आप जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो में और इम्प्रूव करूँगा अपने आप को और नई से नई चीज़ें लेके आऊँ। एक मेरे वीडियो में मेरा लक्ष्य जो रहता है हमेशा सस्ती, बढ़िया और टिकाऊ चीज़ें लाने का, चाहे वो कोई सा भी गैजेट हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो जिसको हम इस्तेमाल करते हैं दैनिक यूज़ में। तो आगे भी जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो इसी तरह की बनाऊंगा, और उसमें जो असलियत है वही बात बताऊंगा। मुझे किसी चीज़ का ना तो एडवर्टाइजमेंट करना है, नहीं कुछ, बस खाली ये है कि मैं अपने चैनल के द्वारा जो भी चीज़ मैं अनुभव कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बता सकूँ, ताकि आपको इसके परचेज़ करने में या और किसी चीज़ की ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन सही रहता है ना हर चीज़ के लिए, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट नॉलेज आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, और मेरा नाम दीपक है, आप देख रहे हैं क्लिक वर्ड। लेकिन अपने कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट हूँ मैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही चल रही है मेरा, अभी चैनल मेरा स्टेबल नहीं हुआ है, तो मुझे अभी टारगेट मुझे अचीव करने हैं कई सारे। तो आपका ओपिनियन, आपके एडवाइस, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत मायने हैं उनके। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।